ये एक्चुअली ये टॉपिक बहुत दिन से ट्रेंडिंग है, बट मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी. बट अभी जब ये इंडिया में एंटर हुआ है, इंडिया में एंटर हो चुका है, ये बैंगलोर में केसेस देखे गए हैं, यूपी आगरा में केसेस देखे गए हैं, हैदराबाद में केसेस देखे गए हैं, दिल्ली में 2 केसेस देखे गए हैं, कोलकाता में भी शायद एक. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेंटिस्ट स्टोरी. आप लोग देख रहे हैं डेंटिस्ट स्टोरी और मैं हूं डॉक्टर अंशुल. आज मैं बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में यहाँ पे बात करने वाली हूँ. जी हाँ, बिल्कुल सही गैस किया आप लोगों ने. आज मैं कोरोना वायरस के बारे में यहाँ पर बात करने वाली हूँ. सो गाइस, सबसे पहले मैं बात करूंगी कि आखिर क्या है कोरोना वायरस और इसका नाम कोरोना वायरस क्यों पड़ा. सो गाइस, ये एक ऐसा वायरस है जो कि जानवरों से इंसानों में ट्रांसमिट हुआ है, या फिर हम बोल सकते हैं जानवरों से स्पेसिफिकली अगर हम बोलें तो चमगादड़ या बैट, वहां से ट्रांसफर होके चाइना के जो लोग थे, वुहांग नाम की एक जगह है, वुहांग चाइना में, वहां के लोगों में ट्रांसमिट हुआ है. वहां के लोगों से ये वायरस फैलते हुए इतना ज्यादा फैल चुका है कि पूरी दुनिया में इसकी दहशत अभी फैली हुई है. तो अगर हम बात करें इस वायरस के बारे में, तो ये ऐसा एक वायरस है जिसके बॉडी के ऊपर स्पाइक स्पाइक निकले हुए क्राउन की तरह, तो इसीलिए इसको कोरोना वायरस बोला जाता है. ये वायरस जब किसी भी इंसान में घुसता है या एंटर करता है, तो ये 2 तरीके से अफेक्ट करता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर वो रह जाता है मान लीजिए, तो आपके जो टॉन्सिल्स होते हैं वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे. आपको अगर टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो जाएगा, खांसी होगी, आपको ड्राई खांसी होगी, कफ होगा और स्नीजिंग होगी, साथ ही साथ बुखार आएगा. लेकिन हाँ, अगर आप कुछ ऐसे प्रिकॉशंस लेते हैं या फिर डॉक्टर की सलाह मान के चलते हैं, तो वो ठीक हो जाएगा और वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से ही निकल जाएगा. अगर वायरस लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला गया है, तो वो आपके लंग्स को अफेक्ट कर सकता है. लंग्स को अफेक्ट जब वो करेगा, तो आपको सांस लेने में कष्ट होगा, सांस लेने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी आपको ऐसा लगेगा आपकी आपकी सांस रुक रही है. समझ लीजिए वायरस आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्ट कर चुका है. दोनों ही मामलों में आपको बुखार जरूर आएगा. चाइना के बाद ये दूसरी कंट्रीज में घुस रहा है थ्रू एयरपोर्ट, या फिर जो चाइना से लोग लौट रहे हैं उनके साथ, या फिर जो लोग चाइना से ट्रेवल कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज में, उनके साथ ये वायरस दूसरी कंट्रीज में पहुंच रहा है. रीसेंट मतलब जो हम बोलेंगे हाल ही में जो आंकड़े सामने आए हैं, उनके अनुसार चाइना नंबर 1 पर अभी है. सबसे ज्यादा लोग चाइना में पीड़ित हुए हैं और मारे गए हैं. मैं आपको सही काउंटिंग बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये रोज और रोज क्यों बोलेंगे हम, हर एक घंटे में ये चेंज हो रहा है, कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग पीड़ित हुए, कितने लोग इससे जूझ के वापस अपना ठीक हुए हैं, तो ये बताना मुश्किल होगा. बट हाँ, चाइना इज नंबर 1 अभी, फिर साउथ कोरिया है, फिर ईरान में ये फैल रहा है, पाकिस्तान, इंडिया की अगर हम बात करें तो ये सबसे कम है यहां पर अभी, बट हाँ इंडिया में दस्तक दे चुका है कोरोना वायरस. और इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है. मैं जानती हूँ ये वायरस बहुत ही डेंजरस है और जानलेवा है, इसका कोई ट्रीटमेंट भी अभी तक मेडिकल साइंस में नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं जिनको आप लेके चलेंगे तो आप इससे, इस बीमारी से बच सकते हैं. तभी वेदर ऐसा है कि सभी को सर्दी जुकाम हो रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना वायरस ही हो गया है सर्दी जुकाम होने से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बट हाँ, अगर आपको सर्दी जुकाम हो रखा है, तो मैं बोलूंगी कि अगर आपका सर्दी जुकाम बहुत दिनों तक चल रहा है, या फीवर आपको 5 दिन से ज्यादा अगर आपको फीवर चल रहा है, 5-6 दिन हो गया, हफ्ते भर हो गया, तो आप बिल्कुल भी बैठे मत रहिए घर पे, बिल्कुल इस चीज को नजरअंदाज मत कीजिए और जाके आप अपना टेस्ट कराइए. H1N1 निमोनिया, फ्लू, सब टेस्ट कराइए आप. और H1N1 अगर पॉजिटिव होता है, तो उसका नेक्स्ट स्टेज है कोरोना वायरस. तो अगर आप H1N1 निमोनिया ये सब टेस्ट नेगेटिव आपके आते हैं, तो आप भूल जाइए आपको कोरोना वायरस है, और आप अब लेंगे प्रिकॉशन. जब मैं प्रिकॉशन की तरफ आती हूँ, तो कुछ बातें आपको खुद ध्यान रखनी है. आप हैंडशेक नहीं करेंगे, गले नहीं मिलेंगे किसी से भी. मान लीजिए आप ग्रीट करते, और कैसे हो यार, तो गले नहीं मिलेंगे, हैंडशेक नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे आप किसी को. आप बोलेंगे नमस्ते, नमस्ते, हाय, दूर से हाय, हेलो, हाँ ठीक है, नमस्ते. और आप क्या करेंगे, जिस भी इंसान को सर्दी जुकाम हो रखा है, या फिर स्नीज कर रहा है, या कफ कर रहा है, खांस रहा है, उससे आप एक हाथ की दूरी बना के रखेंगे, एक हाथ की, इस तरीके से. ये है सेफ डिस्टेंस. और गाइस, मैं आपको बता दूं, चाइना में तो हैंडशेक अब नहीं हो रहा है किसी से भी अगर मिल रहा है, यहाँ तक कि ऑफिस कलीग्स या मान लीजिए मिनिस्टर्स, एमएलए वगैरह भी जब मिल रहे हैं, तो वो लेग शेक कर रहे हैं, हैंडशेक अब कोई कर ही नहीं रहा है, बिकॉज अपने हैंड में सबसे ज्यादा वायरस आता है. कैसे, ये देखिए, ये देखिए, समझे आप, तो अपने हैंड में सबसे ज्यादा वायरस रहते हैं,
तो इसीलिए एक हाथ का डिस्टेंस मेंटेन रखना जरूरी है। हैंडशेक आप बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि आप बार बार अपना हैंड वॉश करेंगे। हम ऐसे ऐसे करके हैंड वॉश कर देते नहीं, हमको पीछे पूरा अच्छे से हैंड वॉश करना है, पूरा अच्छे से हमको हैंड वॉश करना है। साथ ही साथ हम लोग यूज करेंगे हैंड सैनिटाइजर। हैंड सैनिटाइजर आप गाइस अपने बैग में रख लीजिए। अगर आप घर में रहते हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, 80-90% आप सेफ है कोरोना वायरस से मैं बोलूंगी। बट अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आप हैंड वॉश रखेंगे अपने बैग में, और हैंड वॉश रखेंगे आप कुछ भी खाने से पहले, या मान लीजिए फेस वॉश करने से पहले, या मान लीजिए अपने हाथ को अपने फेस पे टच करने से पहले आप अपने हाथ पे इस तरीके से सैनिटाइज करेंगे। हैंड सैनिटाइजर जो होते हैं उसमें अल्कोहल प्रेजेंट होता है, और गाइस अल्कोहल एक ऐसा सब्सटेंस है जो ये वायरस को मार देता है पूरी तरीके से, और अल्कोहल से ये वायरस और जिंदा नहीं रहता है। तो हैंड सैनिटाइजेशन नंबर 1 WHO की तरफ से मतलब एकदम बोला गया है कि हैंड सैनिटाइज आपको करना ही करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, घर में आप फिर भी सेफ है, लेकिन आप बाहर जाएंगे तो आप सेफ नहीं है। तो बाहर आप जा रहे हैं तो आपको मास्क पहनना है। मास्क आपको कैसा पहनना है, कैसा भी मास्क आप पहन लेंगे ऐसा नहीं है। इस तरीके का मास्क आता है गाइस, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको बोलते हैं NSZ मास्क, IN3M, और ये कुछ इस तरीके, ये जो डॉक्टर्स जब सर्जरी करते हैं उस टाइम पे ये वाला मास्क पहनते हैं। तो मेरे पास तो ये था हम लोग के पास घर में, बट आप लोग को ये खरीदना चाहिए मेडिकल स्टोर से। और इसमें ना इस तरीके से नाक पे इतना ज्यादा मतलब अच्छा टाइट हो जाता है ये इस तरीके से। तो देखिए गाइस, आपको ये मास्क क्यों खरीदना है, क्योंकि यहाँ पे एकदम टाइट बंद हो चुका है, यहाँ पे बंद हो चुका है, यहाँ पे बंद हो चुका है, यहाँ पे, मतलब ये इतना ज्यादा टाइटली बंद हो चुका है ना, कहीं से भी आपका वायरस घुसेगा ही नहीं ये मास्क पहनने के बाद। अब आप लोग बोलेंगे हमें तो कोरोना वायरस नहीं, हम क्यों मास्क पहने, हम क्यों हाथ पे, हम क्यों ऐसे करके छींके। क्योंकि गाइस आपको कोरोना वायरस नहीं है, लेकिन आपने अगर ऐसे किसी इंसान के साथ हैंड शेक किया जिसको कोरोना वायरस है, तो अगर आप हाथ को लेके ऐसे छींकेंगे या फिर मास्क नहीं पहनेंगे, तो आपको आपके हाथ से वो जो भी वायरस है वो आपके नाक में, मुंह में, ठीक है, आंखों में जा सकता है। तो इसीलिए मास्क पहनिए, मास्क पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद मैं बोलूंगी अगर आप किसी पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं, वैसे तो अवॉइड कीजिए। बस गाइस कुछ दिन की बात है, जब इंडिया में टेम्परेचर 35-40 डिग्री पहुंच जाएगा तो ये खुद ब खुद मर जाएगा ये वायरस। तो जब गर्मियां आ जाएंगी वो खुद ब खुद मर जाएगा, और बस ये भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जल्दी गर्मी आ जाए। 35 डिग्री के बाद ये वायरस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। चाइना में इस वक्त बहुत ज्यादा ठंड है, ठंडी हवाएं चल रही है, और बहुत ज्यादा मतलब विंटर अभी सीजन है वहां पे, इसीलिए वहां पे ये वायरस पनप रहा है। ठीक है गाइस, तो पहली बात तो ये है कि आप बाहर जाना अवॉइड कीजिए कैसे भी करके, मतलब बिल्कुल अवॉइड ही कर दीजिए। मॉल्स में, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, थिएटर, मूवी हॉल, इन सब में जाना आप अवॉइड कीजिए, मत जाइए, कुछ दिन की बात है। और अगर जाते हैं, मान लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मॉल में आपको जाना ही है, राशन खरीदना ही है, तो आप ग्लव्स पहनेंगे और आप मास्क लगाएंगे। उसके बाद आप बाहर का खाना अवॉइड कीजिए। बाहर का खाना इन द सेंस नॉनवेज, बेसिकली सबसे ज्यादा नॉनवेज, और नॉनवेज में भी प्रॉन्स, फिश, ये सब बहुत ज्यादा, और साथ ही साथ चिकन, चिकन में भी अभी यहां तक कि स्वाइन फ्लू का भी मैं सुन रही हूँ कि चिकन में फैला हुआ है अभी स्वाइन फ्लू, तो चिकन अवॉइड ही कर दीजिए। और अगर मान लीजिए बहुत आप लोग खाते हैं, खाना है, तो अंडा खाइए, अंडे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर पे लाके आप कुक कर सकते हैं चिकन या मटन, अच्छे से धो के गर्म पानी में पहले धो लीजिए अच्छे से बार बार, और उसके बाद आप अपना ज्यादा सीटी मार के, अच्छा मतलब थोड़ा ज्यादा आप उसको कुक कर देंगे, तो जिससे कि वायरस आपका इवेपोरेट हो जाएगा या मर जाएगा उसी में। अच्छा गाइस, एक तरीका है डायग्नोज करने का खुद से कि आपको कोरोना वायरस है या नहीं है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ अगर आप डायग्नोज कर सकते हैं, यानी कि आपको करना क्या है, मतलब आपको अपनी सांस बंद करके रखना है, टेन सेकेंड के ऊपर आपको सर्वाइव करना है। अगर आप अपनी सांस बंद रख पाते हैं 10 सेकेंड तक कैसे भी करके, मतलब एकदम 10 सेकेंड के बाद आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। नॉर्मल सी बात है, सांस बंद रखेंगे अगर अपन होल्ड करके रखेंगे ब्रीथ को, अपने ब्रेथ को, तो प्रॉब्लम तो होगी अपन को। लेकिन 10 सेकेंड तक अगर आप कर सकते हैं ऐसा, तो यानी कि आप सेफ है कोरोना वायरस से अभी तक, इस पॉइंट ऑफ टाइम तक। आगे का मैं कुछ नहीं बोल सकती। एक एडवाइस मेरी तरफ से रहेगा कि हर 15-15 मिनट में या फिर सारा दिन में गार्गल कीजिए, गर्म पानी पीजिए। तो गार्गल से क्या होगा, वो वायरस गर्मी की वजह से मर जाएगा अगर आपके गले में होगा इनकेस, और पानी पीने की वजह से होगा, गर्म पानी पीने की वजह से ये होगा कि वो जाके आपके लिवर में चला जाएगा और
एनिमल वायरस है गाइस, आपका लिवर खुद डिटॉक्स करता है आपकी पूरी बॉडी के वायरस को, माइक्रोजन को, बैक्टीरिया को, सबको। तो वो वहां पे आपके लिवर को एसिड जो है, अपने लिवर में जो एसिड प्रोड्यूस करता है लिवर, वो खुद ही खुद उसको एक्सक्रीट कर देगा डाइजेस्ट करके। सो गाइज मेनली ये वायरस खतरनाक है जब तक वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है। अगर वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल चला जाता है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। तो गाइज ये कुछ बातें हैं, ये वीडियो आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो कि बच सकते हैं आप लोग कोरोना वायरस से अगर आप ये सब फॉलो करते हैं। तो ये वीडियो शेयर कर दीजिए, अपनी फैमिलीज को दिखाइए, अपने मम्मी लोगों को दिखाइए, जो लोग बाहर जाते हैं स्पेशली उन लोगों का आप ध्यान रखिए। जैसे कि मेरे हस्बैंड है वो डेंटिस्ट है और वो पेशेंट्स को देखते हैं, तो हम लोगों ने अपने क्लिनिक में इनफैक्ट ये किया है कि पूछ लेते हैं हम पेशेंट्स से, अभी जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं कि आपने ट्रैवल तो नहीं किया, एयरपोर्ट से तो नहीं आया, कहीं सर्दी जुकाम खांसी तो नहीं है, तो उनको हम एक अलग तरीके से हम उनका ट्रीटमेंट ले रहे हैं और उनको हम लोग सजेस्ट करें कि आप जाके अपना टेस्ट करवाइए पहले। सो गाइज जो लोग को जाना ही है, ऑफिस में है, कलीग्स हैं, ये है, तो उन लोग को सबसे ज्यादा अपना ख्याल रखने की जरूरत है और बच्चों का सबसे ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है आपको। बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनका सबसे ज्यादा आप ख्याल रखिए। बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, उनको बोलिए नहीं बिल्कुल आप बाहर नहीं खाएंगे, जो भी घर से टिफिन ले जाओगे बॉक्स में। ये एक्चुअली ये टॉपिक बहुत दिन से ट्रेंडिंग है बट मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी, बट अभी जब ये इंडिया में एंटर हुआ है, इंडिया में एंटर हो चुका है, ये बैंगलोर में केसेस देखे गए हैं, यूपी आगरा में केसेस देखे गए हैं, हैदराबाद में केसेस देखे गए हैं, दिल्ली में दो केसेस देखे गए हैं, कोलकाता में भी शायद एक केस सस्पेक्ट किया गया, अभी उसका ट्रीटमेंट मतलब उसका सॉरी अभी उसके टेस्ट चल रहे हैं, तो जब तक टेस्ट नहीं आता तब तक हम मतलब बिल्कुल पक्का श्योर नहीं हो सकते कि उसको है। तो कोलकाता में भी अभी देखा गया है। सो गाइस इसीलिए मैं ये वीडियो बना, क्योंकि इंडिया में दस्तक दे चुका कोरोना वायरस। सेफ रहिए और खुश रहिए मेरी तरफ से, और प्रे कीजिए कि भाई जल्दी से जल्दी अपनी गर्मियां आ जाए जिससे कि हमें इस वायरस से छुटकारा मिल जाए। सो गाइस बस इतना ही आज के वीडियो के बारे में, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।